TV is all set to launch its new show, which is a remake of its show from Zee Bangla. The show is called Bhutu, where the story revolves around a small girl playing a ghost who is not very scary but a friendly ghost. The girl is unaware of her being a ghost. Also, even though the show is a remake, it has its new elements also. The show will have Arshiya Mukherjee, Sana Sheikh, Akanksha, Sameer and more. And we got into a candid chat with the cast of the show and found out more about the show, their characters, straight from them. So basically, my character is Bhutu's father. So this story starts a little late, because after the accident, when Bhutu already died. So father is he's trying to come to terms with what has happened. वो दिखा है सर आई कि वो मूव ऑन कर चुका है लेकिन वो अंदर ही अंदर मर रहा है बिकॉज द डॉटर इज़ गॉन. तो इट्स बेसिकली अ वेरी वेरी एजी वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर इन दैट सेंस कि वो किस तरह से अपने इमोशंस को हमेशा थोड़ा दबा के रखता है बट देयर ऑलवेज ऑन द ब्रिम कि कभी भी छलक सकते हैं. सो इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले दैट वे. दिस इज़ लाइक मैंने बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स प्ले नहीं किया बट ये सबसे टफ रहा है. और जैसे कि मैंने कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बनी हूँ तो एक वो एक इमोशन है. ऊपर से एक बच्चे को खोने का दर्द वो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा. बट इस कैरेक्टर में इतने लेयर्स है. इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. शी इज़ एंग्री, शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड, शी इज़ डिप्रेस, शी इज़ सैड, शी वॉन्ट्स अ चाइल्ड बैक. तो एंड उसी चीज़ में हमारा फ्लैशबैक भी है जहाँ पे वो अपने बच्चे के साथ इतनी खुश है. तो आई एम गेटिंग टू प्ले एवरीथिंग लाइक जहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमन के सारे इमोशंस पोर्ट्रे कर सकते हैं वो वैसा है. बिकॉज नॉर्मली इन ऑलमोस्ट एवरी सीरियल यू जस्ट हैव वन टिपिकल कैरेक्टर विच अ पर्सन कैन प्ले थ्रू आउट. बट ओवर हियर आई एम गेटिंग टू प्ले एवरीथिंग लाइक यू ऑल आर गेटिंग टू सी वेरी व्हाट डू यू से an angry side, emotional side, a loving side, a caring side, the frustrated side bhi hai. So isme like this is one of a billion opportunity that anyone at least in TV can get. बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एक ही कैरेक्टर को लेके वही अगर आप नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही प्ले करते हो. आप कभी लविंग नहीं कर सकते हो. अगर आप केयरिंग हो तो आप हमेशा ही केयरिंग हो. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. इफ आई कैन ऐड वन थिंग आई थिंक व्हाट आल्सो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो भी बहुत अफेक्ट हुआ है. और वो किस तरह से अपने एक दूसरे के साथ में वो कैसे डील कर रहे हैं लॉस ऑफ अ चाइल्ड, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस शो. Which I have seen for the first time, this kind of an equation. Yeah, interpersonal, because normally shows में हम interpersonal bonding नहीं दिखा पाते हैं. सिर्फ एक situation highlight होता है कि आपके सामने ये situation दिया. इसमें there are moments so where after effects है. interpersonal relation हर situation में कैसे effect होता है वो हर एक चीज़ इसमें define की है. मुझ में कोई I think I am surprised कि देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन माई कैरेक्टर एज सच टिल डेट. आई सिंपली गो फॉर वॉट द कैरेक्टर इज वॉट हिज स्टैंड इन द स्टोरी इज इन द शो इज एंड वॉट द स्टोरी इज अबाउट. आई डोंट गो फॉर उसके बच्चे हैं कि नहीं है चाहे वो घोड़ा है या गधा है. इट डजेंट मैटर टू मी इफ आई मास्ट टू प्ले गधा ऑल्सो आई प्ले दैट ऑल्सो एज लॉन्ग एज इट्स इंटरेस्टिंग. सो फार प्रोमोज में तो सिर्फ बच्चे ही हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि मैं शो कर रही हूँ. बट जिनको मैंने कहा है दे आर लाइकिंग इट. एंड जैसे मुझे पता था द किड्स आर सो अडोरेबल लाइक ट्रस्ट मी ऑल डोंट नीड द अडल्ट ओनली द TRP इज ओनली गोइंग टू बी द किड्स एंड स्पेशली आर्शिया. उसके सामने कोई एक्टर नहीं है. लाइक यू विल नॉट सी एनी वन. यू आर नॉट गोइंग टू सी मी. यू आर नॉट गोइंग टू सी हिम. यू आर नॉट गोइंग टू सी सना. यू आर नॉट गोइंग टू सी एनी वन. यू आर जस्ट गोइंग टू सी द चाइल्ड. यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद द चाइल्ड मोर देन एनी वन एल्स. मैंने बहुत सुना है. मैंने बहुत सुना है एंड ट्रस्ट मी दे हैव इमेंस फैन फॉलोइंग. जस्ट फॉर द रिकॉर्ड दिस शो हैड इमेंस फैन फॉलोइंग. मैं अपने शो का प्रोमो ढूंढते यूट्यूब पे आई हैपन टू स्टंबल अक्रॉस सम ऑफ द सीन्स फ्रॉम द बंगाली शो एंड माय जॉ जस्ट ड्रॉप्ड. मतलब मैं आई वाज अस्टाउंडेड कि ओ माय गॉड दिस इज द शो दैट वी आर रीमेकिंग. आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. एंड फनी थिंग इज दैट अगर मैं किसी को बताता हूँ कि हमारे शो का कॉन्सेप्ट ये तो सब बोलते यही कॉन्सेप्ट है. मतलब बच्चा भूत है यही कॉन्सेप्ट है. मैं उनको जो प्रोमो दिखाता हूँ देर ऑल लाइक ओ माई गॉड दिस इज गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग. सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. हाँ काफ़ी बंगाली सीखी है बिकॉज वो एक एक्सेंट बंगाली लोग का एक अलग एक्सेंट होता है जो वो हिंदी में बात करते हैं. तो वो मुझे थोड़ा सा पिकअप करना था. वो आएगा नहीं ऑब्वियस बात है. बट देर आर सर्टन वर्ड्स विच आई ट्राई टू एड
तो मैं आर्शिया के साथ बैठ के सीखती हूँ और वो परेशान होकर मुझे बोलती है कि आपको सिखाते सिखाते मैं बंगाली भूल जाऊँगी तो बस करो. बट हाँ, मैंने नंबर काउंटिंग सीखी है, तो 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. शुभो शौकाल. I've learned so many words. Yeah, I know. Please watch this show. This is a very cute show. This is very special to me because I think it's an honor for me to play a mother's character because hum sab apni maa se bahut close hote hain. Aur agar main ye role justify kar paun, so I think that is the most honorable thing I will ever feel. And if people really like it, then more to go. Absolutely. मेरे पति देव कहाँ है? मैं बहुत खुश हूँ मेरे पति देव आए. वो अभी बिजी है यार, उनको कैमरा दिखा दो, वो भूल ही जाते हैं भाई. उनकी अलग ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पे. आई रियली डोंट नो, मैं अभी तक मैंने बात नहीं किया. आई होप अच्छा ही हो. वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक है, वो पहले वो ही बोलेंगे बेबी ये थोड़ा बेटर कर सकते थे, यहाँ पे ये क्यों किया. तो मुझे यही सुनाई देगा. बट आई होप इफ ही लाइक्स इट देन आई थिंक ऑडियंस को भी पसंद आएगा. मैं इसमें भूत हूँ पर डरावनी भूत नहीं हूँ. और मैं सबको प्यार करती हूँ पर किसी को डराती नहीं हूँ. मेरी दोस्त बुड़बुड़ी, ये मुझे बुड़बुड़ी कहती है. अभी ये सारे इंटरव्यूज़ में से पहली बार इसने मेरा नाम रिवील कर दिया. ये जब उसको बहुत गुस्सा होता है ना मुझ पे, क्योंकि मैं बड़ी चिड़चिड़ी सी लड़की हूँ और मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है. सो ओनली बच्चों को लेके मैं बहुत चिड़चिड़ करती हूँ, तो इसने मेरा नाम बुड़बुड़ी रखा है. एक्चुअली मेरा नाम है सुची. सुची मेरा कैरेक्टर कृष्ण जी का है जो इसकी हेल्प करता है. मतलब इसका कोई फ्रेंड नहीं है तो मैं हमेशा इसकी मदद करता हूँ, इसे एंटरटेन करता हूँ. हम दोनों सीरियल में भी बहुत मस्ती करते हैं और वैसे भी ऑफ स्क्रीन भी बहुत मस्ती करते हैं. बहुत मज़ा आता है इसके साथ काम करने को, है ना. जैसे ही सीन खत्म होता है रूम में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर वो बोलते हैं शॉट रेडी, दोबारा शॉट देने जाते हैं, फिर वापस पढ़ाई करते हैं. ऐसी बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई शूटिंग नहीं, खेलते भी बहुत है, मस्ती भी बहुत करते हैं. सी आई डोंट हैव सीन्स विद हिम बिकॉज दे बोथ आर फ्रेंड्स एंड ये इसको दिखती है, ये इसको दिखता है, मुझे ये नहीं दिखता. बट ये मुझे सुनाई देती है बिकॉज ही हैज़ प्रोमिस्ड हर कि एक लड़की आएगी जो तुम्हारी दोस्त बनेगी और मैं इसके साथ दोस्त, मेरी दोस्ती बन जाती हो जाती है. मेरे ज़्यादातर सीन्स, मैक्सिमम सीन्स विथ पीहू एंड शी इज़ अमेजिंग. शी इज़ एन ऑसम एक्टर और बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है. और हम लाइन्स साथ में करते हैं, हम रिहर्सल्स साथ में करते हैं, हम बहुत टाइम तक साथ में रहते हैं. हमारा फ्री टाइम भी होता है तो हम एक दूसरे के मेकअप रूम में होते हैं. सो वी हैव अ ग्रेट बॉन्ड एंड ऑफ कोर्स ऑफ स्क्रीन वी बॉन्ड वेल एज वेल. लेकिन मज़ा आता है बिकॉज ये दोनों ही बच्चे बहुत ही मतलब प्रोफेशनल हैं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी लाइंस करके आते हैं एंड मतलब ऐसा नहीं कि ना याद करते बैठते हैं, बस वो पढ़ते हैं और उनको आ जाता है एंड खेलते खेलते सीन्स हो जाते हैं हमारे. या सी आई वॉज वेटिंग फॉर अ गुड शो बिकॉज आफ्टर कृष्णदास सी आई डिड अ स्मॉल कैमियो इन नामकरण एंड देन आई थॉट कि यू नो सी इवन इन नामकरण वो 7 days का ट्रैक था बट इट वॉज वेरी नाइस. लाइक आई गॉट टू परफॉर्म 3 roles इन 1 role. आई वॉज प्लेइंग अ कॉप एंड देन अ बार डांसर एंड देन यू नो लाइक बहुत अच्छा रोल था. बट उसके बाद आई वॉज लाइक ओके आई हैव टू डू समथिंग वेरी नाइस एंड दिस इज़ वेरी एक्चुअली वेरी नाइस बिकॉज इट्स वेरी क्यूट, इट्स वेरी लाइट एंड emotions ke sath sath I'm getting to perform well and it's not like the regular stuff that we see on television just for TRPs. It's not experimental but at the same time it's experimental. So you know I like to experiment with my shows and I want to push my caliber ya mujhe apne aap ko apne talent ko push karke dekhna hai ki where I can reach. So this is just another step in my life. Bengali teacher ye hai, ye hai. बहुत बंगाली वर्ड्स और उन लोग बहुत बंगाली मतलब जो 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 भी मैं सिखाती हूँ बहुत अच्छे से बोलते हैं पर ज़्यादा अच्छे नहीं बोल सकते हैं. कई बार अपने मम्मा से बात करते हैं बंगाली में तो मैं पूछता हूँ इसका मतलब क्या, फिर वो मेरे को बताती है, करेक्ट करती है ना. जैसे कि केमो नाचो, केमो नाचो, शी ऑलवेज करेक्ट्स मी, इट्स केमो नाचो. तो मैं हमेशा मतलब प्रोनाउंसिएशन में मार खा जाती हूँ एंड देयर इज लाइक आई ऑलवेज टेल हर आमी तुमा के भालो भाषी, आमी तो माँ के भालो भाषी, तो माँ के भालो भाषी, भालो भाषी. मतलब क्या, आप सबको बता दो एक बार. आई लव यू, आई लव यू टू. एक्चुअली ये कभी कभी ना हिंदी डायलॉग बोलते बोलते कभी कभी इसके बंगाली वर्ड्स अपने आप निकलते हैं.
she's playing a Bengali in the show as well. तो ये पीहू जो है वो बंगाली है. सो कभी कभी होते हैं कुछ बोलते 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 सुची आमा के ना, तो अरे हम लोग समझने लग जाते हैं एकदम से, बिकॉज वो डायलॉग में नहीं होता, फिर चले सॉरी 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 हमको ना, तो मतलब बहुत क्यूट लगता है इसके मुँह से, बहुत क्यूट एंड नेचुरली निकलता है. आप लोग मेरा सीरियल देखना बंगाली में बोलता हूँ, तुम ना हमारा सीरियल तो देख पे ऐसे बोल दो, आपने हमारा बंगाली सीरियल तो देखा है, अब हमें हिंदी में भी उतना ही प्यार दो. हाँ मैं ऐसे बोल दो, उससे भी ज्यादा प्यार दो. बंगाली में बोलता ना पूरा. तुमरा तो आगे आमार ओई सीरियलটাও দেখেছো আর এই সিরিয়ালটাও দেখবে, তোমরা আমাকে ওটা যত ভালোবাসো তার থেকেও বেশি এখানে ভালোবাসো. এই যে ভি বলি না ইতনা প্যারা বলি হ্যায় या ऐश इज वेरी क्यूट यार. इसका जो एक टोन आता है ना, कभी कभी मुझे पूछती है सुची तुम्हारा शॉर्ट है, तो वो जो कभी कभी मुझे बंगाली टोन आता है ना, मुझे इतना प्यारा लगता है कि वो रियलाइज नहीं करती ऑफ कोर्स, बट इट्स वेरी क्यूट एंड इट्स फन वर्किंग विथ हर. आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, इट्स फन वर्किंग विथ हर एंड हिम एज वेल. एंड ऑफ कोर्स एक गुलगुले भी है हमारा छोटा सा प्यारा सा मेरा भाई जो बना है, एंड इट्स फन वर्किंग विथ ऑल दीज लवली किड्स. आई एम ब्लेस्ड. भूतू ऑन 21st August. टाइमिंग 6:30 PM. India Forums wishes Team Bhutu all the best. Hi, I'm Sana Sheikh. Arshiya Mukherjee. I'm Viraj Kapoor. And you guys are watching us on India Forums. Ashima Chavda, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.